नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरदत्त, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राज्य सरकार की ओर से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वीआईपी विश्राम कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने निविदा जारी कर दी है। 2,80,17,000 रुपए में बनने वाला आधुनिक वीआईपी लाउंज 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। जानकारी के अनुसार पटना हवाई अड्डे पर स्थित नागरिक उड्डयन निदेशालय के एप्रन के सामने और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की चार दीवारी से सटे हुए वाले भाग में वीआईपी लाउंज सहित अन्य का निर्माण किया जाएगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे लोगों को नए साल पर झटका लग सकता है। गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल सहित दुनिया की 6 दिग्गज टेक कंपनियां भारत में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स व गूगल की ओर से नौकरियों की पोस्टिंग में भारी गिरावट आई है। 2022 से तुलना करें तो इस साल इन कंपनियों की ओर से भारत में नौकरी देने के मामले में 90% गिरावट आई है। प्रदेश में कोविड के चौथे संक्रमित की पहचान हुई है। राजधानी से बाहर सासाराम में इस संक्रमित की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि 10 वर्ष की लड़की को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। एक लंबे अंतराल के बाद 21 दिसंबर को पटना में 2 नए कोविड संक्रमितों की पहचान हुई थी। इसमें एक संक्रमित केरल की यात्रा से लौटा था, जबकि दूसरा असम की यात्रा से। तीसरा संक्रमित रविवार को पटना में पाया गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्रिसमस के मौके पर कुछ ऐसा कहा कि वो फिर खबरों में आ गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सांता क्लॉज को सांता कुंज भेज दिया जाए। शास्त्री ने कहा कि उनकी आबादी 2% है और वो फिर भी रामनवमी नहीं मना सकते, तो फिर हम 98% होकर सांता क्लॉज क्यों मनाए। MP के कटनी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पर्चा तो बहाना है, असलियत तो भारत के हिंदुओं को जगाना है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। परीक्षा की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक कर दी गई है। परीक्षार्थियों की संख्या कम होने की वजह से तारीख को 30 दिसंबर तक किया गया है। वहीं 19 से 23 जनवरी 2024 तक परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि परीक्षार्थियों की संख्या पिछली बार की तुलना में काफी कम है। 2023 में जहां परीक्षार्थी 18,000 थे, वहीं इस बार की परीक्षा के लिए 10,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। नए साल के आने में अब बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। लोग नए साल की जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने साल 2024 के गैजेटेड छुट्टी यानी कि राजपत्रित छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। केंद्र सरकार के लिस्ट में 17 अनिवार्य हॉलीडे घोषित किए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र में 17 राजपत्रित छुट्टियां और 31 प्रतिबंधित छुट्टियां घोषित की गई हैं। 12वीं बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों को अब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना आसान हो जाएगा। पहली बार प्री बोर्ड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। यह मौका CBSE, ICSE और बिहार बोर्ड के छात्रों को मिलेगा। प्री बोर्ड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में चयनित छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 10.3 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया विमान आज सुबह 4 बजे मुंबई में लैंड कर गया। इस विमान से कुल 276 भारतीय यात्री पहुंचे। 4 दिन पहले यह विमान 303 भारतीयों को लेकर दुबई से निकारागुआ जा रहा था और वैटरी एयरपोर्ट पर ईंधन लेने के लिए उतरा था, लेकिन फ्रांस के अधिकारियों को इस दौरान यह सूचना मिली कि इस विमान में मानव तस्करी के पीड़ितों को ले जाया जा रहा है। इसके बाद विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया। फ्रांस के अधिकारियों ने यात्रियों से 4 दिनों तक पूछताछ की। देश भर में कोरोना के नए सब वेरियंट JN1 के मामलों में उछाल आने के बाद अब बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने सभी जिलों और अस्पतालों में COVID-19 RT-PCR टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग का भी निर्देश दिया गया है। ये सभी निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। फिजिकल मार्केट में आज सोने के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि चांदी के भाव 200 रुपए प्रति किलो मजबूत हुए हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट में सोना $10.54 की बढ़त के साथ $2,063.64 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी $0.13 की मजबूती के साथ $24.33 प्रति औंस पर है। गुडरेट टर्न्स वेबसाइट पर दिए रेट के मुताबिक आज सोने के भाव स्थिर से हैं, वहीं चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों सोनी टीवी के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति की होस्टिंग कर रहे हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट के शानदार विकेटकीपर ईशान किशन और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना क्रिसमस के अवसर पर KBC में एक साथ नजर आई। दोनों ने क्रिसमस पर KBC के ग्रैंड फिनाले वीक की शुरुआत की और KBC में क्विज के साथ फैंस को एंटरटेन भी किया। स्मृति मंधाना और ईशान किशन ने क्विज काफी अच्छा खेला और 12.5 लाख की धनराशि जीती। देश भर में कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर डर का माहौल है। नया वेरिएंट कई जगहों पर खूब कहर बरपा रहा है और लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और इससे बचने की तैयारियां शुरू कर दी है। कई लोग मान रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट पहले की तुलना में ज्यादा संक्रामक है, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे ज्यादा घातक नहीं माना है।
सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार डंकी के पांचवें दिन की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसने सोमवार को 22.50 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद इसकी अब तक की कुल कमाई 128.13 करोड़ हो गई है। डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो इसने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, इसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है। इसके पहले दिन की अगर बात करें तो 29.2 करोड़ के साथ फिल्म ने बम्पर ओपनिंग की थी। देश के बेहतर आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और भारी खुदरा निवेशकों की भागीदारी से इक्विटी बाजार के लिहाज से 2023 शानदार साल साबित हुआ है। शेयर बाजार में 10,000 रुपए तक का निवेश करने वाले निवेशकों को भले ही ट्रेडिंग में योगदान आशंकी रही, लेकिन वे पूरे निवेशक समुदाय का एक तिहाई हिस्सा थे। विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में लंबे समय से तेजी का दौर जारी है। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट अपने बड़े समकक्षों से आगे निकल रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत कई राज्य आज भी घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से को मंगलवार सुबह बहुत घने कोहरे की चादर से लिपटे हुए रहे। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य से 50 मीटर तक भी दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मेघालय में विजिबिलिटी अलग अलग इलाकों में 50 से 200 मीटर तक देखा जा रहा है। सभी राज्यों में 28 दिसंबर तक घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। साल 2023 खत्म होने से पहले ही देश को दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल गया है। इससे पहले जेप्टो इस साल भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना हुआ था। जेप्टो के बाद इनक्रेड ने इस साल यह तमगा हासिल किया है। फिनटेक स्टार्टअप इनक्रेड को 500 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। फिनटेक स्टार्टअप ने नए और हालिया निवेशकों से लगभग 6 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हासिल किया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के उपभोक्ताओं ने 2023 में बिरयानी के सबसे ज्यादा ऑर्डर दिए हैं। जोमैटो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उसके प्लेटफॉर्म पर 2023 के दौरान बिरयानी के 10.09 करोड़ ऑर्डर दिए गए हैं। दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्विगी पर भी बिरयानी लगातार 8वें वर्ष सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाला व्यंजन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रति सेकंड बिरयानी के 2.5 ऑर्डर किए गए हैं। केंद्र सरकार किसानों को जल्द ही एक और तोहफा देने जा रही है। खबर है कि सरकार ने MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही ज्यादा पर किसानों से खरीफ की फसलें खरीदने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, पहली बार दाल की खरीदी की रकम किसानों के सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को तुअर का मौजूदा बाजार भाव मिले। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की दो एजेंसियां खरीद की प्रक्रिया देखेंगी। इनमें NAFED और NCCF का नाम शामिल है। नए साल में स्वास्थ्य बीमा लेने की अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो सकती है। 65 वर्ष की उम्र के बाद भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। भारतीय बीमा नियामक और प्रकाश प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए अधिकतम प्रवेश आयु को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। बीमा कंपनियां 5 वर्ष तक की अवधि की स्वास्थ्य बीमा पेश कर सकती है, जबकि सामान्य बीमा और स्टैंड अलोन कंपनी अधिकतम 3 वर्ष के लिए पॉलिसी पेश कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत के उत्थान और समृद्धि के लिए काम किया जा रहा है। सिंह ने यहां तक के एक कार्यक्रम में कहा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और केदारनाथ में मंदिर परिसर के निर्माण से यह बात साबित होती है। व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि युद्धपोत INS मोर मुगाओ, INS कोच्चि और INS कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन सहित पूरे ब्रज मंडल को आपने देखा होगा, लेकिन भगवान कृष्ण की ओर से बसाई गई नगरी द्वारका के बारे में अब तक केवल आपने सुना है, इस नगरी को देख नहीं पाया है। मान्यता है कि भगवान की बसाई यह नगरी समुद्र में डूब गई से देखने की आपकी इच्छा अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। दरअसल गुजरात सरकार अरब सागर में यात्री पनडुब्बी की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए राज्य के पर्यटन विभाग को एक MOU भारत सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ हो चुका है। अगले माह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहां जाने के लिए लोगों ने अभी से बुकिंग शुरू कर दी है। 30 दिसंबर से फ्लाइट और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भी शुरू होने जा रही है। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक के लिए एक टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है। इसमें तमिलनाडु के कई मंदिरों के अलावा आईलैंड और नदियों की यात्रा शामिल है। खास बात यह है कि 8 दिन का पैकेज करीब 2,000 रुपये रोजाना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अत्याधुनिक भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रतीक है। पीएम ने कहा, गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें देश की आन बान और शान के लिए जीना है। हमें एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है, न ही रुकना है। गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है। रिलायंस जियो ने भारत में अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2024 के अनाउंसमेंट की है। नए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 2024 में एक एनुअल प्रीपेड प्लान शामिल है। कंपनी ने बेसिक तौर पर अपनी वर्तमान एनुअल प्लान को एक नए प्लान के साथ रिफ्रेश किया है और इसमें एक्स्ट्रा 24 दिनों की वैलिडिटी जोड़ दी है। एनुअल प्लान की कीमत 2,999 रुपये और यह 365 दिनों की वैधता के साथ साथ पाउचर के साथ 24 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देता है।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए 5 वर्षीय पीजी लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया था वे आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in के माध्यम से अपनी प्रवेश स्थिति की जांच कर सकते हैं। कंसोर्टियम ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटित उम्मीदवारों की संस्थानवार लिस्ट जारी की है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने हाल ही में बताया कि अडानी समूह की कंपनी अगले साल तक $2 अरब जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ऋण के निजी प्लेसमेंट, ऑफशोर बैंक ऋण के साथ साथ डॉलर और रुपए के बॉन्ड सहित विभिन्न उपकरणों की खोज कर रहा है। कंपनी के सीईओ अमित सिंह ने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 19.8 गीगावाट के लिए बिजली खरीद समझौता हासिल किया है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों और कर्मचारियों को जो सुविधाएं देती है उनमें इमरजेंसी कोटा भी शामिल है। इसके जरिए कभी भी वेटिंग टिकट को कंफर्म किया जा सकता है। जी हां, अगर आप इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो आपको कभी भी वेटिंग लिस्ट के चक्कर में परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि यह भी ध्यान रखें, किसी भी ट्रेन में इमरजेंसी कोटे के तहत कुछ ही सीटें दी जाती है। इमरजेंसी कोटा को लेकर रेलवे के कुछ प्रोटोकॉल है, इसके मुताबिक इसमें हाई रैंक वालों को प्राथमिकता दी जाती है। बढ़ती ठंड के साथ ही दिन पर दिन पारा गिर रहा है और घना कोहरा पड़ रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में सर्दी कहर ढा रही है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत से राज्यों में विंटर वेकेशन की घोषणा की जा चुकी है। इस साल दिल्ली में विंटर वेकेशन की 2 भागों में बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों को बंद करने का आदेश आ गया है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी के चलते जम्मू के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक बंद रहेंगे। राजस्थान में 13 दिन की छुट्टियां घोषित की गई है। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, धनंजय कुमार, बाबूलाल मरानी, नन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, नौशद राजा, उत्तम कुमार, रितेश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के स्कूलों में ठंड की छुट्टी कब से हो रही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।